बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सिंपल वेजिटेबल पुलाव विद चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सईद अस्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ आपको बहुत सी ऑथेंटिक, इजी और क्विक रेसिपीज मिलेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल, हाफ कप बटर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, 2-3 स्टिक्स दालचीनी की छोटी वाली और 10 लौंग और सब्ज इलायचियाँ 5, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इसको हम हल्का सा 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। ख्याल रखिएगा कि जलने ना पाए, बस हल्की सी खुशबू आए। और फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ये भी जलने ना पाए। और 1 मिनट तक फ्राई करके 1 kg चिकन डाल दें, क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ, बोनलेस। और इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम बोटियाँ सख्त हो जाएंगी और हमें नरम चाहिए। कलर चेंज हो जाए तो 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/4 टेबल स्पून वाइट पेपर क्रश, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर क्रश। तो ये हल्के फुल्के से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे मसाले के। 1-2 मिनट इसको फ्राई करें और फिर इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, 1 कप मटर डालेंगे और सब्जियां भी इधर जो है आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, ये खुद ही कुक हो जाएंगी राइस के साथ। 1 कप गाजरें डाल दें और आखिर में हम इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी डालेंगे 1 कप भर के। और इन सब्जियों को भी 2-3 मिनट तक बस फ्राई कर लें। तो ये रेसिपी मैं आपको 1 किलो चावल के लिए बता रही हूँ। इसमें 1 लीटर वाटर जाएगा और इसमें जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें पाउडर डालेंगे, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और 6 सब मिर्चें कटी हुई और इसमें डालेंगे। तो इसके बाद इसमें 1 किलो राइस डालेंगे जो 15 मिनट हमने भिगोए थे। और ज़्यादा चम्मच हमें नहीं चलाना है, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है और फिर इसको जो है वो उबाल आने का वेट करना है। उबाल आ जाए तो फिर इस पॉइंट पे आप इसका सॉल्ट चेक करें और सॉल्टी वाटर होना चाहिए। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरा इधर वाटर, इधर सॉल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने वाटर को रिड्यूस कर दिया था और ये देखिए नीचे थोड़ा वाटर अभी नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर से वाटर फिनिश हो गया है और 50% राइस जो ना वो डन हो चुके हैं। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए बहुत हल्की आँच पर दम पर लगा देंगे। तो मेरा जो है ये रेडी हो चुका है पुलाव। सुपर डिलीशियस है, सुपर इजी, बहुत ही सिंपल पुलाव रेडी हुआ है। इतना लजीज, जो खाए खाता ही रह जाएगा। शानदार पुलाव बना है। इसको रायता, सलाद और चटनी के साथ सर्व करें, जो कि इस पुलाव के टेस्ट को दुगना करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में बताएं, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।